नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मोतिहारी के चकिया के एक होटल के सभागार में जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं का बैठक हुआ, जिसकी संचालक लवकिशोर निषाद ने किया। इस बैठक को जदयू के सभी कार्यकर्ताओं ने संबोधन किया। जदयू कार्यकर्ताओं से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप को कार्यकर्ताओं के बीच रखा है। साथ ही 6 सितंबर को होने वाली वर्चुअल रैली को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के कारण आगे 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह वर्चुअल रैली सभी बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथों अपने अपने क्षेत्रों में सभी जनता के बीच रहकर वर्चुअल रैली सुने और जनता तक मुख्यमंत्री जी के 15 साल के कार्य को पहुँचाएं। गठबंधन में अपना अपना वर्करों को बतला रहे हैं, अपने कामों को नीतीश कुमार जो बिहार में काम किए हैं उसको जनजन तक पहुंचाना है और चुनाव बहुत कम समय में होगा। उसका चुनाव कराने का भी तौर तरीका बदलेगा, पहले की तरह नहीं लगेगा, पहले की तरह हेलीकॉप्टर नहीं उतरेंगे, उतना भीड़ नहीं जमा होगा। वर्चुअल रैली जो होने वाली है, वर्चुअल रैली जो होने वाली है, इस संबंध में जनता को क्या? वो भी 15 वर्षों तक काम किया है, पिछले 5 वर्ष तक जो काम किए हैं, पूरा 15 वर्ष का जो काम किया है, सबका डाटा वो खोलते रखेंगे जनता के बीच में, इसके लिए वर्चुअल रैली कर रहे हैं।